हेलो व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब so, स्वागत है आप सबका आज की इस प्यारी सी रिवीजन वीडियो में देखो पर से प्यारी पर से पियर रिव्यू मजा आ जाएगा आज और मैं आपको एक बात बता दूं मैंने अभी अभी पनीर पराठा ऑर्डर किया ठीक है उसको आने में 20 से 25 मिनट लगेंगे तो हमारा भी ये टारगेट रहेगा कि 20 से 25 मिनट में हम पूरी की पूरा पीयर रिव्यू रिवाइज कर ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगनिंग विद पीयर रिव्यू उससे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखो हमारा जो ऑडिट है ना इसमें चार तरह के रिव्यू की बात होती है सर चार तरह के रिव्यू क्या बात होती है पहला काम सीनियर बंदा जूनियर का काम रिव्यू करेगा मैंने कहा वेरी गुड दूसरा काम EQCR, which happens just before the audit report is issued. फिर आता है पीयर रिव्यू जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड देन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी रिव्यू अगर मैं बात करूं सीनियर बंदा जूनियर का काम रिव्यू करेगा तो आपको पता ही है सबसे पहले सीनियर बेसिक चीज देखता है विद टीपी स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल उसके बाद जो सिग्निफिकेंट मैटर्स है वेदर दे हैव बीन फॉर फर्दर कंसीडरेशन अब सीनियर भी दूध से धुला नहीं होता तो फिर वो क्या करता है वो कंसल्टेशन लेता है तो वो देखता है अप्रोप्रिएट बीन टेकन प्लेस जो भी उनसे कंक्लूजंस थे दे हैव बीन डॉक्यूमेंटेड एंड इंप्लीमेंटेड फिर आप बोलोगे सर क्या

रिस्क से डर नहीं लगता सर मिस स्टेटमेंट से डर लगता है यानी रिस्क कैन लीड टू डिटेक्टेड और अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट तो मिस स्टेटमेंट से हम घबराए क्यों हम दो लोगों के पास जाते थे एक तो कंसल्टेंट के पास दूसरा आप किसके पास जाते थे जल्दी से बताओ मुझे कंसल्टेंट के पास जाते थे और मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी यहां आपके दो रिव्यू वाले पॉइंट्स हो गए अब हम पढ़ेंगे थर्ड रिव्यू वाला पॉइंट दैट इज पीयर रिव्यू अब हम पीयर रिव्यू रिवाइज करेंगे आ जाओ फटाफट -फड़ अपनी बुक पे और स्टार्ट करते हैं सर पीयर रिव्यू का रिवीजन। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं रिव्यू क्या होता है पीयर रिव्यू में एक पीयर रिव्यूअर होता है और एक प्रैक्टिसिंग यूनिट होता है सर प्रैक्टिसिंग यूनिट यानी ऑडिट फॉर्म जिसका रिव्यू होने वाला है पीयर रिव्यूअर यानी वो बंदा जो इसका रिव्यू करेगा रिव्यूअप कभी कभी अपने साथ एक असिस्टेंट भी ला सकता है ये जो पूरी प्रक्रिया है सर ये पूरी प्रक्रिया का ध्यान कौन रखता है इस पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखता है पीयर रिव्यू बोर्ड पीयर रिव्यू बोर्ड आईसीआई का ही एक डिपार्टमेंट है ऐसा आप मान के चलिए ठीक है तो अब पीयर रिव्यूअर आएगा वो पीयर रिव्यू करेगा तो सर रिव्यू किस चीज का करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नारे बाबा ना ऑडिट रिपोर्ट का नारे बाबा ना वो पूरे पूरे ऑडिट इंगेजमेंट का रिव्यू करेगा टू बी प्रेसाइज वो पूरी अश्योरेंस सर्विसेज का रिव्यू करेगा तो आपने बस इतनी बात ध्यान रखनी है पीयर रिव्यू मीन रिव्यू Of the systems and procedures जो हमारी practicing unit ने systems and procedure लगा रखे हैं क्या वो quality maintain कर पा रहे हैं as envisaged by as required by the technical professional ethical standard जैसी quality हमारे standards चाहते हैं क्या ये practicing unit वैसी quality लापा रही है मैं कहता हूँ procedures and systems लगाना अलग बात है साथ ही साथ क्या वो consistently apply हुए during the period under review वो भी एक important बात आ जाती है आप फिर से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कौन सी सर्विसेज की क्वालिटी चेक करोगे की की या बाकी सर सर्विसेज क्वालिटी चेक होगी बाकी सर्विसेज को टाटा बाय बाय गुड बाय उनकी हम यहां पे क्वालिटी चेक नहीं करेंगे अगला सवाल आता है सर न्यू यूनिट का क्या मतलब है न्यू यूनिट यानी ऐसा यूनिट जो दो चीजें हो सकती है या तो उसको स्टेब्लिश हुए बारह महीने से कम हुए क्या आप यह बात समझते हैं जी सो so, सबसे पहले न्यू यूनिट के केस में आपने दो चीजें चेक करनी है या तो इसकी डेट ऑफ इज लेस देन स्टेबल बेचारा नया नया आया है दूसरा है तो पुराना बट आज तक इसके कोई सर्विस रेंडर ही नहीं की अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मैच हो जाती तो आप इसको न्यू यूनिट बोलेंगे फिर आते सर ब्रांच का पियर रिव्यू तो ब्रांच का पियर रिव्यू कौन होगा जो ब्रांच का पियर रिव्यू करे सिंपल सी बात है तो उसको अपन ब्रांच पियर रिव्यू कहते हैं देन कम्स द सवाल वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दियर रिव्यू क्या इसका ऑब्जेक्टिव है कमियां निकालना या फिर

क्या प्रॉपर सिस्टम है इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन टू एम्पली डेमोन्स्ट्रेट द दे क्वालिटी ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज। तो बाहर वाली रिक्वायरमेंट्स का चेक करेंगे कंप्लाई करते हैं कि नहीं उनसे कंप्लाई करने के लिए इन्होंने अपने फॉर्म के अंदर प्रॉपर सिस्टम्स रख रखे हैं कि नहीं हमारा काम कमियां निकालना नहीं है डेफिशिय निकालना नहीं है बट

द काउंसिल ऑफ आईसीआई टू द मेबर्स इंक्लूडिंग द फीस टू बी चार्ज नंबर ऑफ ऑडिट्स अंडरटेक रजिस्टर ऑफ इश्योरेंस इंगेजमेंट ज्यूरिंग दियर बेसिकली आपके ऑडिट असाइनमेंट्स की डिटेल के रिगार्डिंग आपने कंप्लाई करके चलना है दूसरी दूसरी चीज काउंसिल के ही गाइडलाइंस रिगार्डिंग द आर्टिकल्स एंड ऑडिट असिस्टेंट ये काम करेगा कौन मैंने कहा आर्टिकल असिस्टेंट तो ये भी कंप्लाई करके चलना है तो तीन चीजों से कंप्लायंस आपने करनी है विद द विदीप स्टैंडर्ड्स इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइंस ऑफ द काउंसिल पहला रिगार्डिंग द ऑडिट असाइनमेंट दूसरा रिगार्डिंग द आर्टिकल एंड ऑडिट असिस्टेंट क्या ये तीनों बातें दिमाग में गई यस सर अब एक बात बताओ आर्टिकल से काम करने के लिए उसको ट्रेन करना जरूरी है सो देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर ट्रेनिंग होगी तो क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग बढ़ेगी तो यही बेसिक चार पांच बातें आपने इसमें ध्यान रखनी है इसमें एक एडिशन हुआ है दैट इज द सेल्फ इवैल्यूएशन अंडर ऑडिट क्वालिटी मेचोरिटी मॉडल तो यह भी चीज आप चेक करेंगे कि क्या इन्होंने यह फॉर्म भरा है या नहीं अब सर एक सवाल आता है इतनी देर से आप बोल रहे हो टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स ये होते क्या हैं तो मैंने कहा सबसे पहले स्टैंडर्ड के बारे में आपने कब सुना था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के टाइम पे तो तीन तरह के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप ध्यान रखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच आर इशूड बाय आईसीआई फॉर द एंटिटीज अदर देन कंपनीज दूसरे आपके सेक्शन वन -t -t वाले एक तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये तीन आपने ध्यान में रख के चलने हैं फिर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की तो जितने भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जिनके बारे में आप पढ़ते हो इन सब से भी कंप्लाई करके चलना है और सिर्फ इससे नहीं स्कूल थ्री बेचार नाराज हो जाएगा तो स्टेड्यूल थ्री को भी ध्यान रखेंगे स्टेड्यूल थ्री को प्यार से बोलते हैं फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बार सुना होगा आपने तो वो जो फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन कंट्रोल है उसके ऊपर आपने कंप्लाई करना है एंड लास्ट पॉइंट इज रेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन इनसे भी आप चेक करेंगे कंप्लाइंस हुई कि नहीं ओवरऑल so मैं कहता हूं कहने को ये टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड इसमें आ जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लॉज एंड रेगुलेशन इन्हीं चार पांच बातों को आपने ध्यान में रख के चलना है अब सर सवाल आता है अश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या नहीं आता पहले तो मैं बोलता हूं कई बार बच्चों का डाउट आता है क्या सर इंटरनल ऑडिट अश्योरेंस एंगेजमेंट है आंसर इज यस इंटरनल ऑडिट इज अश्योरेंस एंगेजमेंट क्योंकि आप ओपिनियन दे रहे हैं अबाउट द इंटरनल कंट्रोल ठीक है तो जहां पे भी एक पर्सन अपना ओपिनियन दे रहा है फिर से मैं बोल रहा हूं जहां पे भी एक पर्सन अपना ओपिनियन दे रहा है तो उसको आप अश्योरेंस एंगेजमेंट की डेफिनेशन में कवर करके चलेंगे अब कुछ ऐसी चीजें जिनको अशो्योरेंस एंगेजमेंट नहीं कहते जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी इट इज नॉट अश्योरेंस एंगेजमेंट ठीक है आप कंसल्टेंसी दे रहे हो आप उनको एडवाइस दे रहे हो ओपिनियन नहीं दे रहे हो दूसरी चीज जो भी आपकी टैक्स रिलेटेड चीजें आप टैक्स की रिटर्न फाइल

फिर से बोल रहा हूं प्लीज लिसन अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट चाहे तो वो वॉलेंट्रीली अपना पीयर रिव्यू करवा के चल सकती है अब सर एक स्पेशल केस है देखो ध्यान से समझना बोर्ड बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिसीड फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई आईसीआई की सेक्रेटरी इनको इंफॉर्मेशन दे रही है किसको बोर्ड को सर कौन सा बोर्ड है ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई नालायक बोर्ड का मतलब है पीयर रिव्यू बोर्ड पीयर रिव्यू बोर्ड के पास इन्फॉर्मेशन आई है फ्रॉम द सेक्रेटरी ऑफ आईसीआई और डिसप्लरी डायरेक्टरेट याद है डिसिप्लिनरी जिसके हम प्रोफेशनल एथिक्स बात करते थे और एनी अदर रेगुलेटर मैं कहता हूं किसी ने भी इंफॉर्मेशन दी है बोर्ड को विच इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड रिक्वायर्स अ स्पेशल पीयर रिव्यू देन ही मे कंडक्ट अ स्पेशल पीयर रिव्यू फॉर सच पीरियड डिटरमाइंड बाय द बोर्ड तो कौन तीन लोग है जो ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं मैं कहता हूं आईसीआई से की सेक्रेटरी खुश हो गए तुम सुन के हां और दूसरा कौन है सर दूसरे हैं हमारे डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट तीसरा कोई और रेगुलेटर ठीक है इन तीनों में से कोई भी अगर इंफॉर्मेशन देगा और उसको लगता है नहीं पीयर रिव्यू होना चाहिए तो स्पेशल पीयर रिव्यू होगा नॉर्मल पीयर रिव्यू नहीं स्पेशल पीयर रिव्यू अब ये कहता है कई ऐसी फर्म्स होंगी जिनके पास आज की डेट में पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है और एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जनरली तीन साल होती थी तो अगर तीन साल की वैलिडिटी वाला पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट है तो क्या वापस पीयर रिव्यू कराना है आफ्टर दीज आंसर इज नो जब तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड है चुपचाप अपना अपने अपने ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट जो भी है करते जाओ जब वो सर्टिफिकेट एक्सपायर होने आए तब आप एक नया सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं अब सवाल आता है सर कौन से फेज में कौन सी फर्म्स को रिव्यू कराना है सबसे पहले तो फेज वन वन फोर ट्वेंटी टू से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी थ्री तक ठीक है जो भी लिस्टेड एंटिटीज का ऑडिट करे उसके लिए मैंडेटरी है गॉट इट यस सर फिर आता है सर फेज टू विच स्टार्ट्स फ्रॉम वन फोर यानी अभी एक अप्रैल दो को यह स्टार्ट हो चुका है यह कहता है कि अगर आपकी जो फर्म है ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज का कर रहे हैं सर लिस्टेड वाली तो ऊपर कवर हो गई उनको तो पीयर रिव्यू कराना ही कराना है अगर ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैं तो इसकी लिमिट्स वही है जो एनएफआरए वाली लिमिट्स थी याद है आपको एनएफआरए की लिमिट्स पेड अप शेयर कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ ओ और टर्नओवर ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 करोड़ ओ और लोन्स डिपेन्चर्स एंड डिपॉजिट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 500 करोड़ एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर तो अगर ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाती हैं जिस कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हो उसमें से कोई भी कंडीशन बेसिकली तीनों की पूरी होगी कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाएगी तो फिर आपको तो फिर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग यूनिट एक पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट लेके आगे बढ़ना पड़ेगा दीज से ऑलरेडी टोल प्लस अगर आपके प्रैक्टिस यूनिट में पांच या उससे ज्यादा पार्टनर है तो भी आपके लिए मैडेटरी है आई फील ये फेज वन और फेज टू आपको अच्छे से याद होना चाहिए फेज वन लिस्ट एडेंटिटी फेज टू वन फोर ट्वेंटी थ्री से एन एफ आर ए वाली कंपनीज का अगर आप ऑडिट करो बेसिकली पांच सौ करोड़ हजार करोड़ पांच सौ करोड़ तो भी आपके ऊपर ये लग जाएगा एंड तीसरा आपकी अगर फर्म के पार्टनर्स पांच या उससे ज्यादा तो भी लग जाएगा बाकी लिमिट्स को एक बार बस रीड कर लेना देट्स ऑल दैट यू निट टू डू अगर किसी के पास ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग यूनिट सर्टिफिकेट है उसको नया लेने की जरूरत नहीं है चुपचाप उसको खत्म होने की वेट करें जैसे ही वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी फिर वो नया ले सकता है सर इसमें एक बात बताओ यहां पे वो चीज मैंने स्कोप में नहीं लिख रखी थी बट आई वॉन्ट टू आस्क यू क्या मैं सारी अश्योरेंस एंगेजमेंट चेक कर सकता हूं कितने भी साल पुरानी द आंसर इज नो यहां पर एक बात लिख के चलना द स्कोप इज लिमिटेड टू द अश्योरेंस एंगेजमेंट अंडर इन द पास्ट

इन सबको हम इसका पार्ट नहीं बनाएंगे इन सब को हम इसका पार्ट नहीं बनाएंगे नाउ सर व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ पीयर रिव्यूअर तो इधर देखो इधर देखो हाँ. क्या एलिजिबिलिटी है देखो दो लोग हो सकते हैं एक तो बचपन से प्रैक्टिस कर रहा है सर बचपन से मतलब जैसे ही वो क्वालिफाई हुआ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट उसने अपनी प्रैक्टिसिंग स्टार्ट कर दी दूसरे जो पहले तो इंडस्ट्री में गए जॉब्स में गए फिर जॉब्स के बाद प्रैक्टिस में आए ठीक है समझ आ गए दोनों लोग तो हम डिपेंडिंग ऑन देम हम डिसाइड करेंगे क्या क्राइटेरिया होगा अगर तो आपने सबसे पहले प्रैक्टिस से स्टार्ट किया ठीक है इफ यू आर अ मेंबर इन प्रैक्टिस तो आपके पास सात साल का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक है सर दूसरा अगर आप इंडस्ट्री से प्रैक्टिस में आए तो दस साल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस और साल प्रैक्टिसिंग का एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस एंड थ्री माइनस हो प्लस ये जो लोग है इनको कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्रैक्टिसिंग यूनिट की जो इनको शायद वैसे कभी ना मिले ठीक है वो थोड़ी कॉन्फिडेंशियल नेचर की होगी तो ये साइन करेंगे एक इंक्लूडिंग अ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी प्लस लोग ट्रेंड होने चाहिए इतनी बड़ी बड़ी यूनिट्स का पीयर रिव्यू करने, जाने, तो इनको एक टेस्ट पास करने दे दे नीड नीड टू टू टेक प्रॉपर ट्रेनिंग एंड एंड गिव टेस्ट आफ्टर दैट लास्ट आप ये बात ध्यान रखना ये लोग बिगड़े हुए नहीं होने चाहिए ठीक है ये चेक करने जा रहे हैं फर्म बिगड़ी हुई है कि नहीं और खुद बिगड़े हुए होंगे तो काम कैसे बनेगा तो इनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग नहीं होना चाहिए कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं होनी चाहिए इनका और फर्म का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए सर लेना देना का क्या मतलब है इनके और फर्म के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ये जो पीयर रिव्यूअर है या फिर इसका जो क्वालिफाइड असिस्टेंट है ठीक है इन्होंने क्या बोला देखो पार्टनर और पर्सोनल हैज ऑब्लिगेशन और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट विद द प्रैक्टिसिंग यूनिट तो नहीं कर सकते प्लस ही शुड हैव सर ही शुड मतलब पीयर रिव्यूअर की बात कर रहा हूं असिस्टेंट की बात अभी नहीं कर रहा पीयर रिव्यूअर ने जिस फर्म का ये पीयर रिव्यू करने जा रहा है उसके किसी पार्टनर के अंडर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग नहीं कर रखी होनी चाहिए ये बात आप ध्यान रखेंगे प्लस लास्ट पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है रिव्यूअर शेल नॉट एक्सेप्ट एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट टू इयर्स फ्रॉम टू इयर्स बिफोर द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो यही चार पांच बातें आपने ध्यान रखनी है वापस एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं मेंबर इन प्रैक्टिस है साल का से में आए, दस साल, तीन साल वेरी वेरी गुड साथ ही साथ ये ट्रेनिंग करेंगे टेस्ट देंगे कॉन्फिडेंशियलिटी का डिक्लेरेशन फाइल करेंगे ये बिगड़े हुए नहीं होने चाहिए मतलब नो डिसिप्लिनरी एक्शन नो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग प्लस इनका और इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए और बताओ सर और बड़ी बड़ी बड़ी, बड़ी, बड़ी मजेदार बातें कर रहे हो और बताओ इसने जो रिव्यूअर है इसने इनके पार्टनर के अंदर कोई आर्टिकलशिप ट्रेनिंग नहीं कर रखी होनी चाहिए लास्ट पॉइंट इज दो साल का कूलिंग पीरियड साल पहले दो साल बाद यानी इयर्स इयर्स बिफोर आफ्टर इन्होंने कोई प्रोफेशनल असाइनमेंट इनसे एक्सेप्ट नहीं कराना चाहिए आई होप दिस पॉइंट्स आर क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छे से करके जाना अब आता है सर सवाल क्वालिफाइड असिस्टेंट का अब रिव्यूअर अकेले तो जाएगा नहीं अपने साथ एक छोटू लेके जाएगा ये छोटू भी ऐसा वैसा छोटू नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट छोटू है तो ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए प्लस ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड अंडर सेक्शन एट

ये भी डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी साइन करेगा प्लस भी अ छोटू इसका कोई डायरेक्ट इंटरफेस नहीं होगा विद द प्रैक्टिसिंग यूनिट एंड विद द पीयर रिव्यू बोर्ड तो यही बेसिक बेसिक बातें आपने ध्यान में रखनी है ही शुड बी फ्रॉम द फॉर्म ऑफ रिव्यूअर एज अ पार्टनर और पेड असिस्टेंट एज पर द रिकॉर्ड ऑफ आईसीआई नाउ सर वट विल बी द अप्रोच ऑफ पीयर रिव्यूअर बड़ी सिंपल अप्रोच है आप रिव्यू करने जा रहे हो आप ऑडिट असाइनमेंट्स रिव्यू करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको सैंपल चुनने पड़ेंगे सर सैंपल में हम देखेंगे क्या हम सैंपल में सबसे पहले देखेंगे लेटर ठीक है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है सर आपने काम करना है नंबर ऑफ अशोरेंस एंगेजमेंट टू बी सिलेक्टेड रिक्वायर्स प्रोफेशनल जजमेंट बेस्ड ऑन द रिप्लाइज ऑफ क्वेश्चन तो आपने देख लिया पहले कितने सैंपल सेलेक्ट करने हैं जो सैंपल आपने सेलेक्ट करें उसमें आप क्या मंगाओगे एगेजमेंट लेटर सर एंगेजमेंट लेटर ही तो सबसे पहले एंटर होता है ऐसे दो सौ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट उसमें होता है तो आप वो चेक करोगे तीसरा एंगेजमेंट लेटर के साथ ये देख लेना जब इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया गया तो क्या प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो हुए या

जितनी सिग्निफिकेंट डिसीज है उनके लिए जो प्रोफेशनल जजमेंट है और जो रेजोल्यूशन है सिग्निफिकेंट मैटर्स का उसको आप डॉक्यूमेंट करके चलोगे तो लास्ट की तीन बातें बस आपने ध्यान रखनी बाकी सब सिंपल सिंपल है फिर से एक बार लास्ट बार लास्ट कर लेते हैं सबसे पहले सर क्या करेंगे डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ एंगेजमेंट एंगेजमेंट टू बी सिलेक्टेड जो सिलेक्ट करी उसका लेटर तीसरा हमने देखा जिस एंगेजमेंट को हमने एक्सेप्ट किया तो क्या प्रॉपर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलो प्रोसीजर टू ट्वेंटी में भी हम डिस्कस करके चलते हैं ठीक है जो सेकी वाले पॉइंट्स हम याद रखते हैं फिर फोर्थ पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना था वो था भूल गए कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर नलायक लास्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंट चीजें जितने सिग्निफिकेंट इश्यूज थे क्या वो प्रॉपरली कंसिडर रिजॉल्व और डॉक्यूमेंट हुए डन सेकेंड पॉइंट क्या एविडेंस और कंक्लूजन रीजनेबल है एंड थर्ड पॉइंट इज जितने सिग्निफिकेंट मैटर्स थे जितने सिग्निफिकेंट डिसीजन जितने सिग्निफिकेंट जजमेंट्स उनको आप डॉक्यूमेंट करोगे तो यही चीजें आपने चेक करनी है इन द पीयर रिव्यू अब सर ऑब्लगेशन आती है प्रैक्टिसिंग यूनिट की और ऑब्लिगेशन ऑफ द रिव्यूअर प्रैक्टिसिंग यूनिट का काम क्या है जो रिव्यूअर इंफॉर्मेशन मांगे चुपचाप उसको देती जाए प्रोड्यूसिंग और अलाउंग द एक्सेस टू रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स और रजिस्टर्ड बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट ठीक है सर अब अगर किसी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट में किसी को समझ नहीं आया पीयर रिव्यूअर को तो उसे एक्सप्लेनेशन भी मांग सकता है प्लस ऑल असिस्टेंस देनी है कई बार हो सकता है वो लेजिबल फॉर्म में ना हो ठीक है आपके या मेरे जैसे जिनकी खराब हैंडराइट है उन्होंने वो चीज लिख रखी है उस सामने वाले को तो समझ नहीं आ रही तो उसने कहा चुपचाप इसको ट्रांसलेट करके तो तो इंग्लिश में अब ये जो ट्रांसलेशन है ये करेक्ट होनी चाहिए पर परफेक्ट होनी चाहिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा मैंने कहा इसकी रिस्पांसिबिलिटी भी प्रैक्टिसिंग यूनिट लेगा ठीक है तो यही तीन बातें ध्यान रखनी है सबसे पहले तो प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन अगर उसको कुछ समझ नहीं आया तो एक्सप्लेनेशन भी मांगेगा ऑल

उस रिपोर्ट देने से 18 महीने के अंदर अंदर देखो क्या कहता है रिव्यूअलशल डॉक्यूमेंट ऑल इज वर्किंग पेपर एंड सबमिट अ कॉपी ऑफ ऑफिस वर्किंग पेपर टू द बोर्ड इफ ड फॉर बाय द बोर्ड विद इन एटीन मंथस ऑफ दिशन ऑफ रिव्यू रिपोर्ट यानी जिस दिन रिव्यू रिपोर्ट सब उससे अट्ठारह महीने के अंदर अंदर बोर्ड से उसके वर्किंग पेपर मंगा सकता है तो क्या उसको वर्किंग पेपर देने पड़ेंगे हाँ भाई हाँ अगर प्रैक्टिस रिव्यू बोर्ड प्रैक्टिस रिव्यू बोर्ड जैसा कुछ नहीं होता पियर रिव्यू बोर्ड उससे वर्किंग पेपर मांगे तो उसको वो वर्किंग पेपर देने ही देने पड़ेंगे इसको आप मार्क कर लीजिए फॉर एमसी के पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब सर सवाल आता है वॉट इज द पियर रिव्यू प्रोसेस बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है सबसे पहले तो सर इनका मिलाप होगा प्रैक्टिसिंग यूनिट और पीयर रिव्यूअर का मिलाप होगा सर कैसे होगा सबसे पहले प्रैक्टिसिंग यूनिट को बताया जाएगा बधाई हो आपका पीयर रिव्यू होने वाला है तो प्रैक्टिसिंग यूनिट कहेगी वाओ मेरा पीयर रिव्यू कौन करेगा उन्होंने वो तीन नाम भेजेंगे ठीक नाम वन नाम टू नाम थ्री वो तीनों नाम को अपने सामने रखेगी और करेगी इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट तुम जाओ तो एक चला गया अब दो बचे इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट दूसरा भी गया अब एक जो बचा वो उसका प्रैक्टिसिंग यूनिट होगा वो, वो उसका पीयर रिव्यूअर होगा ठीक है तो अब जब पीयर रिव्यूअर रिव्यू हो गया तीन में से एक सिलेक्ट हो गया ठीक है जो तीन में से एक सिलेक्ट हुआ है उसको ऑन रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन कम क्वेश्चन नेम्स ऑफ थ्री थ्री रिव्यूअर बी प्रोवाइडेड विद इन वर्किंग डेज देखो तीन नाम दिए कितने दिन में मैंने कहा थ्री वर्किंग डे में उन तीन में से एक को जो सिलेक्ट किया क्योंकि एक सिलेक्ट किया तो एक वर्किंग डे के अंदर अंदर बताना पड़ेगा जो इनपिन पिन वाली एक्सरसाइज है ये एक दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए याद रखना यह बात ठीक है फिर से बोल रहा हूं तीन रिव्यूअर कितने दिन में देगा बोर्ड तीन दिन में तीन में से एक सिलेक्ट करने के लिए कितने दिन मिलेंगे एक दिन क्या ये जायज है मैंने कहा हां अब सर एक बात बताओ जो बंदा सिलेक्ट हुआ वो तो खुश हो जाएगा तो उसको बोर्ड बताया जाएगा कि बधाई हो, आप भी सिलेक्ट हो चुके हो एंड अब आपने प्रैक्टिसिंग यूनिट का रिव्यू करना है एज पर दीज गाइडलाइंस इसके बाद एक बात ध्यान रखना बोर्ड शेल इंटीमेट द सो सिलेक्टेड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने आपको बताया था ना पीयर रिव्यूअर को डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी देनी क्योंकि वो कई सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा सर ये कितने दिन में देना है फॉर्म नंबर टू ये देना है प्रैक्टिसिंग यूनिट को विद इन टू वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द चॉइस ऑफ नेम्स ऑफ रिव्यूअर फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग यूनिट यानी एज अ रिव्यूअर आप ये दो वर्किंग डेज में देके चलेंगे ठीक है दो वर्किंग डेज में ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं जब भी प्रैक्टिसिंग यूनिट और रिव्यूअर का एक दूसरे से पाला पड़ेगा जब भी इन दोनों की एक दूसरे से इंटरेक्शन होगी यहां दो वर्किंग डेज ही आएंगे जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी रिव्यूअर कितने दिन में देता है प्रैक्टिसिंग यूनिट को मैंने कहा दूसरी चीज जो एप्लीकेशन कम क्वेश्चन को अपॉइंटमेंट ऑफ रिव्यूअर तो एक बार फटाफट समराइज करते हैं एप्लीकेशन विल बी इन नंबर वन फिर रिव्यूअर के तीन ऑप्शन मिलेंगे इन थ्री वर्किंग डेज वेरी वेरी गुड उन तीन में से एक सेलेक्ट होगा विद इन वन वर्किंग डे शाबाश अब जो बंदा सिलेक्ट हुआ बोर्ड उसको इंटीमेट करेगा मैंने कहा बिल्कुल सही क्यों इंटीमेट किया टू सबमिट द डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इन द फॉर्म टू विद इन टू डेज नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर इस प्रैक्टिसिंग यूनिट शेल ऑल्सो शेयर कॉपी ऑफ एप्लीकेशन कम क्वेश्चन विद इन टू वर्किंग डेज टू दियर रिव्यूअर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द रिव्यूअर अब सर पीयर रिव्यूअर का काम है कि वो अपने सैंपल सेलेक्ट करे ठीक है अब उसका काम है वो सैंपल सेलेक्ट करे जो उसके पास एप्लीकेशन कम क्वेश्चन आया जो डिटेल्स आई है इधर देखो इधर देखो बस पांच मिनट का रह गया जो उसके पास डिटेल्स आई है जो उसके पास इंफॉर्मेशन है उसमें उस से अब वो सैंपल सेलेक्ट करेगा अब देखो क्या होता है बिफोर कमेंसमेंट रिव्यूअर शेल इंश्योर डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्फिडेंशल्टीज फर्निश वो उसने वैसी दे दी थी दो दिन में ऑन रिसिविंग द एप्लीकेश कमर इन फॉर्म वन फ्रॉम द प्रेक्टिस यूनिट रिव्यूर शेल इनिशिएट द पियर रिव्यू बाई इंटीमेटिंग किसको इंटीमेट करेगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को अबाउट द विजिट एंड प्रपोज सैंपल ये कह रहा है कि मैं आके ये सारे सैंपल चेक करूंगा मैं विजिट करूंगा बट उसके लिए उसको सैंपल शेयर करने पड़ेंगे सर सैंपल कौन से फॉर्म में शेयर होंगे फॉर्म नंबर फाइव फाइव देखो एस की तरह दिखता है तो एस फॉर सैंपल ये सैंपल शेयर करेगा फॉर्म फाइव में सर अगर इसको एडिशनल सैंपल चाहिए तो ये फॉर्म सिक्स हो जाएगा एंड याद रहे प्रैक्टिसिंग यूनिट शेल प्रोवाइड एडिशनल सैंपल विद इन वन वर्किंग डे अब ये देखो क्या कह रहा है सर जो सैंपल इसको चाहिए इसको कितने दिन में शेयर करने चाहिए प्रैक्टिसिंग यूनिट के साथ हम दोनों ने कमिटमेंट किया था जब भी रिव्यूअर को प्रैक्टिसिंग यूनिट से कोई बात करनी होगी इन दोनों के बीच का कुछ होगा तो दो वर्किंग डेज मिलेंगे तो रिव्यूअर को अगेन हमने टू वर्किंग डेज दिए ऑफ रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग यूनिट टू सेलेक्ट द अशोरेंस इंगेजमेंट दैट ही वुड लाइक टू रिव्यू एंड टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट एंड बोर्ड इन द फॉर्म नंबर फाइव आप यह कह सकते हो पॉइंट पॉइंट नंबर नंबर एंड आर गोइंग हैंड इन हैंड जो दो पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है ये हैंड इन हैंड जा रहे हैं आप फॉर्म नंबर फाइव सबमिट करेंगे दो वर्किंग डेज में टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट अब सर एक बात बताओ रिव्यूअर शेल ऑल्सो प्लान फॉर ऑन साइट रिव्यू जो हमारा रिव्यूअर है वो ऑन साइट रिव्यू भी प्लान करेगा फॉर इनिशियल मीटिंग इन कंसल्टेशन विद द प्रैक्टिसिंग यूनिट ये सर ऑन साइट रिव्यू के लिए हमको प्रैक्टिसिंग यूनिट को कितना टाइम देना पड़ेगा अगेन यू हैव टू गिव देम एटलीस्ट टू वर्किंग डेज टू कीप नेसेसरी रिकॉर्ड्स फॉर द एंगेजमेंट आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो मैंने सैंपल कितने दिन में शेयर किए टू वर्किंग डेज में उसको कितने दिन दिए सैंपल्स के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के लिए अगेन मैंने वहां पर उसको टू वर्किंग डेज दिए मैं ना बीवी सर वाले उसमें कर रहा था तो बड़ा ऑड लग रहा था मैंने कहा क्या हो रहा है ये फ्रेम ही अलग लग रहा है अब अब सही हो गया आई थिंक ठीक है नाउ इट्स फाइन So, मैं क्या कहता आपको टू वर्किंग डेज हमने उनको दिया तुम चुपचाप अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करो नेक्स्ट पॉइंट इज सर ये दो दो करके ना मेरे को लगता है हो गया वेरी गुड तो पूरा का पूरा पीयर रिव्यू प्रोसेस जो है वो वर्किंग डेज में कंप्लीट होना है फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन टू द प्रैक्टिसिंग यूनिट आप सिलेक्ट हो चुके हो देखो क्या कह रहे हैं रिव्यूअर एंड प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिस एंड म्यूचुअली कॉपरेट एंड इंश्योर दट इंटायर रिव्यू प्रोसेस इज कंप्लीटेड विद इन 20 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रेक्टिस यूनिट फॉर बिंग पियर रिव्यू और द डेट ऑफ नोटिफाइंग द प्रेक्टिस यूनिट अबाउट दिलेक्शन ऑफ रिव्यू यानी जहां से यह चीज शुरू हुई वहां से बीस वर्किंग डेज के अंदर अंदर यह चीज खत्म हो जानी चाहिए सर न्यू यूनिट का क्या वो बिचारे के पियर रिव्यू के कितने टाइम में कंप्लीट होगा तो मैंने कहा न्यू यूनिट केस में यह सेवन वर्किंग डे में कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट Of क्या है इसके पास कोई ऑडिट असाइनमेंट ही नहीं हो सकता तो फिर ये क्या करेगा सर ये अपने पॉलिसीज़ दिखाएगा अपने प्रोसीजर दिखाएगा कि हम ये सब चीजें कंप्लाई करके चलेंगे बस आप हमको पियर रिव्यू सर्टिफिकेट दे दो ताकि हम लिस्टेड एडेंटिटी का ऑडिट कर पाए ठीक है तो यही बाहर ध्यान में रखनी है सर अब अब सवाल आता है एग्जीक्यूशन का तो यहां पे अभी क्या चल रहा था सैंपल सिलेक्शन सैंपल कम्युनिकेशन इन द फॉर्म नंबर फाइव दो वर्किंग डेज में कम्युनिकेट करना है वो दो वर्किंग डेज मिलेंगे चीजें इकट्ठी करने के लिए अब जब सारा माल इकट्ठा हो गया अब पियर रिव्यूअर जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ ऑन साइट रिव्यू ये ऑन साइट रिव्यू सर कितने दिन चलेगा इन्होंने कहा सिक्स वर्किंग डेज देखो है तो पूरे हफ्ते के लिए बट हफ्ते में संडे इज नॉट अ वर्किंग डे संडे को तो आप चाय चावल खाते हो सर चाय चावल क्या होता है कड़ी चावल खाते हो ठीक है तो कड़ी चावल खाना घर पे बैठ के कोई दिक्कत की बात नहीं है सिक्स वर्किंग डेज मिलेंगे इससे ज्यादा ऑन साइट रिव्यू के लिए टाइम नहीं मिलेगा फिर हम बात करते सर कंप्लाइंस रिव्यू जनरल कंट्रोल इसके लिए अपन ने निमोनिक भी बनाया था इंडिपेंडेंट कॉप सर इंडिपेंडेंट कॉप्स का क्या मतलब इंडिपेंडेंस कंसल्टेशन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेशनल स्किल्स एंड स्टैंडर्ड स्टाफ रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट तो यही बातें आपने ध्यान में रखनी है अगर इंडिपेंडेंट कॉप्स होंगे तो सारे कंट्रोल्स मेंटेन रहेंगे नाउ कम्स द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन सिलेक्शन ऑफ अश्योरेंस सर्विस एंगेजमेंट फॉर रिव्यू देखो यहां पर कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है सर क्या अगर आई पूछे राइट अ नोट ऑन सैंपल सिलेक्शन बाय द रिव्यूअर तो सैंपल सिलेक्शन में आप इसकी बात करोगे या फिर ये जो पूरा प्रोसीजर डिस्कस किया सर इसकी बात इसकी बात करोगे क्या उन्होंने आपसे पूछा वॉट आर द फैक्टर्स दैट यू विल कंसिडर इन डिसाइडिंग द नंबर ऑफ सैंपल्स टू बी सिलेक्टेड अगर वो फैक्टर्स पूछ रहे हैं कि किन फैक्टर्स के बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कितने सैंपल लेने हैं तो फैक्टर्स की बात तो यहां कर रखी है कि इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितने सैंपल लोगे

मेथडोलॉजी फिर से बोलो कंट्रोल साइज एंड मेथोडोलॉजी कंट्रोल मतलब सिस्टम्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल साइज का मतलब है नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड मेंबर्स इन्वॉल्व नंबर ऑफ लोकेशंस एंड ब्रांचेस ऑफ द प्रैक्टिसिंग यूनिट ठीक है मैं कहता हूं साइज में एक पॉइंट और इंक्लूड कर सकते हो फीस जितना बड़ा साइज होगा प्रैक्टिस यूनिट का उतनी फीस चार्ज करेंगे तो फीस भी अपन यहां पर कंसिडर कर सकते हैं एंड लास्ट पॉइंट इज साइज एंड नेचर ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट एंड लास्ट पॉइंट वॉज

एविडेंस लेते हैं एविडेंस पे कंक्लूजन रीच करते हैं कंक्लूजन पे रिपोर्ट देते हैं एंड रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाते हैं। देखो यही लिखा है एविडेंस लेने के लिए आप क्या करते हो कंट्रोल टेस्टिंग और सब्सटेंटिव प्रोसीजर मैंने कहा वेरी गुड उसके साथ साथ आप क्या करते हो एविडेंस के बेसिस पे कंक्लूजन निकालते हो रिपोर्टिंग निकालते हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनकर तैयार हो जाते हैं तो यही आपका पूरा ऑडिट प्रोसेस आपने ध्यान में रखना है सब्सटेंटिव अप्रोच में एज अ रिव्यूअर

एप्लीकेशन कम क्वेश्चन सबमिटेड बाय द प्रैक्टिसिंग यूनिट इन फॉर्म नंबर वन एज वेल एज वो ऑन साइट रिव्यू कर सकते हैं इज रिस्ट्रिक्टेड टू डे मुझे बताओ सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये देखने के लिए कितने बच्चे जाग रहे हैं हमारा जो हमारा बजाज हमारा जो प्रैक्टिसिंग यूनिट है ठीक है वो अगर नॉर्मल वाला होता तो उसका ऑन साइट रिव्यू कितने दिन का हो सकता है सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ए का सारे बच्चे मुझे जवाब बताएंगे कमेंट सेक्शन में अगर ये नॉर्मल वाला प्रैक्टिसिंग यूनिट होता तो कितने दिन इसका ऑन साइट रिव्यू खींच सकता था है? Now, chapter, ये बड़ा सिंपल सा पार्ट है अगर पीयर रिव्यूअर को यह प्रैक्टिसिंग यूनिट पसंद आ गई मजा आ गया तो सर क्या होगा ये अनमोडिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा काम खत्म पैसा हजम डना डन रिव्यू बोर्ड को जाकर अनमोडिफाइड रिपोर्ट दे देगा प्रैक्टिसिंग यूनिट को भी उसकी कॉपी भेज देगा बट अगर इसको लगी डेफिशियंज इधर देखो इधर देखो इधर देखो अगर इसको लगी ऐसे ही होता है ना जब चैप्टर का एंड आ जाता है तो अलग खुशी मिलती है बस अब ये गया अगले चैप्टर पे जाएंगे तो मैंने कहा अगर इसको मिली तो ये प्रैक्टिसिंग यूनिट को बताएगा अब इस केस में अगर प्रैक्टिसिंग यूनिट को इसने कमियां बताई है तो प्रैक्टिसिंग यूनिट का काम है विद इन टू वर्किंग डेज ये अपनी रिप्रेजेंटेशन दे ये अपनी बात पीयर रिव्यूर के आगे रखे इन राइटिंग अब पीयर रिव्यूअर अगर इससे सेटिस्फाइड हो गया ओ हो हो बढ़िया हो गया सर तो ये फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा बोर्ड को इन द फॉर्म नंबर नाइन सर रिपोर्टिंग का क्या है रिपोर्टिंग का फॉर्म है नाइन नाइन क्यों सर टू टेल इज एवरीथिंग फाइन और नॉट देखो नाइन और फाइन का वर्ड प्ले याद रखना क्या प्रैक्टिसिंग यूनिट में सब कुछ फाइन है तो वो फाइननेस चेक करने के लिए हम रिपोर्ट नाइन यूज करते हैं अगर सब कुछ सही है तो रिपोर्ट नाइन में इसने अनकालीफाइड रिपोर्ट दी बट अगर इन केस रिव्यूअर इज ऑफ द ओपिनियन अरे बाबा ना यहां तो बहुत ही गड़बड़े हैं तो फिर ये क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा बट उसके लिए भी फॉर्म नंबर नाइन ही है इसकी एक कॉपी प्रैक्टिसिंग यूनिट के पास भी जाएगी अब इस केस में सर एक फॉलो ऑन रिव्यू भी होगा इस केस में अगर ये क्वालिफाइड रिपोर्ट आई तो इसका एक फॉलो फॉलो ऑन ऑन रिव्यू रिव्यू होगा होगा सर follow -on review कब होगा? मैंने कहा साल बाद सर एक साल तो बहुत हो जाएगा मैंने कहा कोई बात नहीं इट कैन बी रिड्यूस टू सिक्स मंथ बट उससे ज्यादा इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते तो इसका फॉलो ऑन रिव्यू होगा ये चेक करने के लिए लोग सुधरेगा नहीं रिपोर्ट शुड ऑल्सो स्टेट दैट सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ये बेसी बात बोलेगा इसके साथ कुछ चोंगे, ये ऐसे ही आपसे के के लिए पूछ बताओ क्या क्या एक तो रिपोर्ट के साथ क्या आएंगे तो ये लगा देगा साथ साथ ही स्टार्टिंग कहां से हुई थी मैंने कहा एप्लीकेशन कम क्वेश्चन एयर से तो कॉपी ऑफ क्वेश्चन लगाएगा उस क्वेश्चन एयर के बेसिस पे इसने क्या निकाले सैंपल मैंने कहा वेरी गुड उन सैंपल को चेक करके इसने क्या दी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट

तो इसके केस में कंप्लीट होगा इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन सेवन वर्किंग डेज न्यू यूनिट के केस में सेवन वर्किंग डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए अब सर जब ये रिपोर्ट सबमिट होगी तो सेक्रेटरी इसको रिव्यू करेगी क्या ये कंप्लीट है क्या ये सब कुछ सही है और अगर इसमें गड़बड़े हुई अगर ये क्वालिफाइड रिपोर्ट है तो फॉलो ऑन रिव्यू आफ्टर पीरियड ऑफ वन ईयर विच कैन बी रिड्यूसड बट नॉट लेस देन सिक्स मंथ अगर रिपोर्ट एकदम परफेक्ट है अनकॉलीफाइड रिपोर्ट है तो अनकालीफाइड रिपोर्ट के साथ साथ फीस आनी चाहिए फ्रॉम द प्रैक्टिसिंग यूनिट अगर ये दोनों चीजें आ गई अनक्फाइड रिपोर्ट भी आ गई फीस भी आ गई तो इसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा

प्रैक्टिसिंग यूनिट उसको दे देगी इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा आपको कुछ खास ध्यान में नहीं है डेट ऑफ अवर सर्टिफिकेट अब सर इनहेरेंट लिमिटेशन आती है की बहुत simple, simple बात है ध्यान में रखना सबसे पहले बोलना इनहेरेंट लिमिटेशन ये हम इसमें अपना दिमाग लगाई नहीं रहे हम कर रहे हैं एज पर द स्टेटमेंट ऑन पियर रिव्यू मैंने कहा वेरी गुड अब ये बोलेगा कि सर स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू ने क्या कहा था स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू ने कहा था सैंपल चेकिंग करना फिर से बोल रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू ने कहा था सैंपल चेकिंग करना मतलब हम सब कुछ चेक कर ही नहीं रहे क्योंकि हम सब कुछ चेक नहीं करें तो हो सकता है कुछ चीजें जहां पर दिक्कत हो वो हमसे छूट जाए इट मे नॉट नेसेसरीली डिस्कलोज ऑल द वीकनेस

मे नॉट डिस्क्लोज ऑल द वीकनेस बिकॉज इट इज बेड ऑन सिलेक्टिव टेस्टिंग एंड द थर्ड पॉइंट इज एंड मेन पॉइंट इज हमारी दिक्कत नहीं है सिस्टम में दिक्कत है सिस्टम के अंदर खुद के अंदर इनहैनट लिमिटेशन है सो द डिपार्चर में कर डेफिशियंसी में कर बट इट मे नॉट बी डिटेक्टेड लास्ट सवाल आता है डिफरेंस बिटवीन पीयर रिव्यू एंड क्वालिटी रिव्यू ये बात हम ऑलरेडी क्लास में काफी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं आई होप आपके पास वो टेबल भी रेडी है मेन चीज आपने ध्यान रखनी है ये आईसीआई का प्रोसेस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोसेस है ये जो है ये थोड़ा मेंटरिंग प्रोसेस है फ्रेंडली प्रोसेस है हमारा फोकस टू फाइंड आउट डेफिशियंसी नहीं है बट टू हेल्प द फर्म इन इंप्रूविंग इट्स क्वालिटी है बट अगर मैं यहां पे बात करूं ये सेंट्रल गवर्नमेंट ध्यान रखती है अगर यहां पे कोई वीकनेस मिल गई डेफिशियंसी मिल गई सो एक्शन टेकन अगेंस्ट द चार्टर्ड अकाउंटेंट तो यही बातें आपने ध्यान में रखनी है यहीं पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है यहाँ डिसिप्लिनरी एक्शन का टेंशन नहीं है ठीक है तो ये बेसिक बेसिक बातें आपने ध्यान में रखनी है यहाँ पे आपको बस एक छोटी सी बात में और बताना चाहूंगा नाउ योर बस जल्द ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं जल्द ही आपकी नैया पार लगने वाली है तो यहाँ पे हल्की फुल्की भी आपको टायर्डनेस आए हल्की फुल्की भी थकावट आए तो बस इस बात को ध्यान रखना विनर्स मे गेट टायर्ड विनर्स मे गेट टायर्ड बट दे शुड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्वेट आप आराम कर सकते हो आप दस पंद्रह मिनट के लिए आंखें बंद करके थोड़ी देर अपने साथ बैठ सकते हो पानी वानी पी सकते हो रोह के दो तीन घूट लगा सकते हो दैट शुड बी ऑर रेस्टिंग पार्ट बट नॉट द क्वेटिंग पार्ट तो आप क्वेट नहीं करेंगे आप लगे रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे और अपने चेहरे पे एक स्माइल जरूर रखेंगे क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे विशु द बेस्ट वीडियो अच्छी लगे तो डूब डूब लाइक एंड या स्टे सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर सच वीडियो